कृषि बिल के विरोध में अन्नदाताओं के आंदोलन को 52 दिन हो चुके हैं। 15 जनवरी को अन्नदाताओं के साथ सरकार की बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकल सका। अब 19 जनवरी की वार्ता पर सभी की नजरें हैं। 19 जनवरी से ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी काम करना शुरू कर सकती है, लेकिन आंदोलनकारी अन्नदाता साफ कर चुके हैं कि वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। अन्नदाताओं के बीच बैठक भी चल रही है, तो आज दिन भर क्या हुआ अन्नदाताओं के आंदोलन में, देखिए रिपोर्ट। सरकार कृषि बिल वापस लेने को तैयार नहीं है और अन्नदाताओं का कहना है कि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अन्नदाता पूरी तरह से अड़ गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर उनके धरने को 52 दिन हो चुके हैं। अन्नदाताओं के धरने का सबसे ज्यादा असर हरियाणा सरकार पर दिख रहा है। न तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक कार्यक्रम कर पा रहे हैं और न ही उनकी पार्टी के विधायक और मंत्री। आज देश भर में वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन हरियाणा में अन्नदाताओं के गुस्से का शिकार इस कार्यक्रम को भी होना पड़ा। अन्नदाताओं ने कहा कि वैक्सीन पहले मंत्रियों और विधायकों को लगवाना चाहिए, उसके बाद ही किसी और को। हरियाणा के कैथल में तो बीजेपी विधायक लीला राम को अन्नदाताओं के विरोध के चलते अस्पताल से वापस लौटना पड़ा। वो अस्पताल में गए थे वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत करने, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही अन्नदाता पहुँच गए। इस बीच सबकी नजरें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर 18 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें अन्नदाताओं के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अन्नदाता ये तो साफ कर चुके हैं कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकालने पर वो अड़े हुए हैं। अन्नदाताओं ने अपने कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। 18 जनवरी को महिला दिवस मनाने के अलावा 20 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह की याद में शपथ कार्यक्रम होगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। इस दिन देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। 19 जनवरी को सरकार और अन्नदाताओं के बीच बैठक भी होनी है, लेकिन इसमें कोई हल निकलेगा इसकी उम्मीद अन्नदाताओं को नहीं है। 19 जनवरी से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी भी लोगों की बात सुन सकती है, लेकिन अन्नदाता पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो सरकार के साथ तो बात करेंगे, लेकिन कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कानून लेकर आई थी, उसे ही वापस लेना होगा। सरकार जब कानून वापस लेगी तब किसान वापस घर चला जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।